माता जानकी जी ने हाथ उठाया, बेटा अजर हो जाओ। अजर मतलब तुम्हें बुढ़ापा ना आए। हनुमान जी ने मुंह बना लिया, क्या बात, अच्छा नहीं लगा वरदान, एक है दूसरा ले लो। अमर, हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है वरदान कम है, चलो तीसरा ले लो। गुण निधि, हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है तीन कम है वरदान, काम ज्यादा किया वरदान कम दिए, चौथा ले लो। सुत होहु, आज से तुम हमारे बेटा हो। हनुमान जी थोड़े प्रसन्न है, बेटा ज्यादा क्यों नहीं हो रहा, कम है, मां हमें जो चाहिए वो दो। आहा, क्या गजब की रामचरितमानस की सुंदर कांड की रचना। तुलसीदास जी कहते हैं जब माता जी ने अगला वरदान दिया, क्या करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो, छोए का मतलब प्रेम, आपसे राम जी बहुत प्रेम करें, आशीर्वाद है। हनुमान जी खिलखिलाकर हंस गए, करही बहुत रघुनायक छो, ताली बजाते गाइए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, बोलो बोलो बोलो, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीता राम, पति पावन सीता राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, बोलो जानकी वल्लभ सीता राम, जानकी वल्लभ सीता राम, अजर अमर गुण निधि सुत हो, वरदान मिला, जाओ तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें, बोलो जय सिया राम। हनुमान जी बोले माता जी अब हमें भूख लग गई, भूख जानते हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हंग्री। हनुमान जी बोले भूख लग गई, माता जानकी जी बोली मतलब, हनुमान जी बोले हमने जब भी जन्म लिया तो जन्म लेते ही हमें भूख लगती, बात पते की कह रहे हनुमान जी, जैसे ही जन्म अवतार लिया अंजना माता की यहां पे तो भूख लगी, गगन में मारी एक उछाल, तुरंत हनुमान जी को बचपन में भूख लगी सो सूर को ही खा गए ब्रेकफास्ट में, और जहां यहां हनुमान जी ने कहा हमको भूख लग आई, ऊपर सूर घबरा गया, तो बचपन में इन्हें एक बार और भूख लगी थी, और इस बार तो गजब ही कर दी, भूख नहीं बोला हनुमान जी ने। हनुमान जी बोले सुनाऊ मात मोहि अतिशय भूखा, भूख नहीं लगी भूखा लगा, सूर ने चंद्रमा को मैसेज भेजा कि तुम भी बच के रहियो, जब तो भूख लगी थी तो हम आओ ब्रेकफास्ट ले गए थे हमको ब्रेकफास्ट में, अब तो इन्हें भूखा लगी। अच्छा देखो क्या गजब का शब्द है, सुना हो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, हनुमान जी कहते भूखा लगी, तो हमने एक दिन विचार किया कि हनुमान जी ने भूखा क्यों कहा, भूख कहनी चाहिए भूखा क्यों कहा, तब हमें समझ में आया कि हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते, सब कुछ थोक में करते हनुमान जी के जितने भी, तुम इसलिए तो मल्टी टैलेंटेड हनुमान का। इनसे कहा कि जाओ संजीवनी बूटी ले आओ, ये पूरा पर्वत ही लेके आओ, इनसे कहा जाओ जानकी जी का पता ले आओ, जी लंका जला के आ गए,
इनसे कहा जाओ जरा वैद को, लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई, वैद को ले आओ, ये वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा के ले गए। लखनऊ में पड़े, बोले बाद में पर कहे कि हमें दवाई लेने जाना पड़ेगा, आला लेने जाना पड़ेगा, साफ डिस्पेंसरी मकान से। इसलिए हनुमान जी जो भी काम करते थोक में करते।